भर में बारिश का कोहराम मचा हुआ है। देश भर में 539 नदियां जाने चली गई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और इससे जुड़ी दुर्घटनाओं में असम में 34, गुजरात में 52, केरल में 125, बंगाल में 116 और महाराष्ट्र में 138 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इससे 30 लोगों की मौत हो गई है। शहर शहर बाढ़ का कहर, दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, पहाड़ों पर भी आफत की बारिश। यूपी के कई जिलों में आफत की बारिश। 3 दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के कारण कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं घरों में पानी घुस चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ बारिश ने 539 लोगों की जान ले ली। बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिलों में कल से तेज बारिश हो रही है। पटना शहर मानसून की पहली बारिश नहीं झेल सका और तेज बारिश के चलते शहर में जगह जगह पानी भर गया। बारिश से सबसे बुरा हाल नालंदा मेडिकल कॉलेज का हो गया है। यहां अस्पताल के कैंपस के साथ कई वार्ड में भी पानी भर गया है। इसके साथ शहर के कई इलाके भी पानी की चपेट में हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान 204.83 मीटर है, लेकिन अभी नदी 205.4 मीटर पर बह रही है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंचने के बाद इसके और भी बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार ने यमुना से सटे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने जगह जगह सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नाव और गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। यमुना बाजार के पास बनी घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। बारिश से गुजरात महाराष्ट्र के क्या हाल है उस पर नजर डाले तो गुजरात में बारिश की वजह से 213 गांव प्रभावित हुए हैं। यहां 89 पक्के घर पूरे तरह से तबाह हो गए हैं और 1413 कच्चे घर भी तबाह हो गए हैं। राज्य में 15,912 लोगों को बचाकर निकाला गया है। महाराष्ट्र में डूबने की वजह से 138 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और 117 लोग घायल भी हुए हैं। असम के हालातों पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर के राज्य असम में 1,224 गांव बारिश से प्रभावित हुए हैं और 10,17,968 लोगों पर इसका गहरा असर पड़ा है। राज्य में इसकी वजह से 428 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 4,609 घरों पर आंशिक तौर पर से इसका असर पड़ा है। 34,921 लोगों को आपात स्थिति से बचाकर बाहर निकाला गया है। बारिश से केरल का हाल भी बेहाल है। केरल में बारिश की वजह से 2,232 गांव प्रभावित हुआ है। 14,975 लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 5,183 लोगों को बचाकर निकाला गया है। राज्य में 427 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और 11,276 घरों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल का हाल भी बेहाल है। पश्चिम बंगाल में 1,269 गांव बारिश से प्रभावित हैं। 1,61,935 लोग इसकी चपेट में आए हैं। बारिश की मार की वजह से 547 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। 6,709 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। 47,680 हेक्टेयर में फैली फसल को भी इससे नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों का भी हाल बारिश से बेहाल है। जगह जगह से पहाड़ से मलबा ऐसे ही गिर रहा है। पहाड़ों पर बादलों का बरसना बदस्तूर जारी है।
मगर डर सिर्फ बरसात के बाद बाढ़ का ही नहीं बल्कि बारिश और बाढ़ के साथ भूस्खलन की समस्या से जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। विवेक शुक्ला, जनतंत्र टीवी।